हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, क्या है क्रिप्टो करेंसी, कॉइन्स, टोकन, वेब 2.0, 3.0, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्लॉकचेन के बारे में। बात करने से पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं कि करंटली अभी क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन करंटली। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे आज वेब 2.0, वेब 3.0, ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी। तो करंटली ब्लॉकचेन से पहले अभी क्या चल रहा है मार्केट, वो है आपका वेब 2.0। ओके, तो क्या होता है वेब 2.0? सिंपल आप ऐसे समझ सकते हो कि जो भी करंटली आप वेबसाइट्स देखते हो, चाहे तो वो किसी बैंक का है, प्राइवेट कंपनी है, फेसबुक, गूगल, याहू, जो भी वेबसाइट है, वो सारे आपके वेब 2.0 में। तो ये कैसे काम करता है, बेसिक इनकी थ्री थिंग्स इन दिस। पहला आपका है फ्रंट एंड, जो आपको यूजर इंटरफेस दिखता है, जहां हम लॉग इन करके सब काम करते हैं। दूसरा बैक एंड, जो उसके पीछे कोडिंग या लॉजिक्स लिखे होते हैं कि क्या क्लिक करने पे, सबमिट करने पे क्या एक्शन होना है वो। और तीसरा जो पूरा डेटा है, चाहे तो वो ट्रांजेक्शनल डेटा है, कस्टमर का डेटा है, कुछ भी है, वो सब एक पर्टिकुलर डेटाबेस में सेव होता है। ये डेटाबेस आपका एक पर्टिकुलर सर्वर में, इन हाउस सर्वर हो सकता है या किसी डेटा सेंटर में आपका वो होस्ट हो सकता है सर्वर। ओके, बट इसका जो ड्रॉबैक है वो क्या है कि ये इंडिविजुअल सर्वर्स हैं, इसको कोई भी हैकर हैक कर सकता है इजीली। ओके, और अगर किसी ने हैक कर लिया तो वो आपके डेटा को मिसयूज कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक एक आज के टाइम में है जो वेब 2.0 का। आप भी न्यूज़ मार्केट में सुनते होंगे कि ये पर्टिकुलर कंपनी का वेबसाइट हैक कर लिया या डेटा, कस्टमर का डेटा पब्लिक कर दिया, तो ये सारे लिमिटेशंस हैं। ओके, इसके लोग आगे बात करते हैं यहाँ पर, वो है आपका वेब 3.0। तो वेब 3.0 क्या है, एक तरह से आप समझ सकते हो एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, या बोल सकते हो एक नया एरा एक तरह से इवॉल्व हो रहा है, जो कि 2023 से पूरी तरह से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें जो आपका डेटा है वो ब्लॉक्स में सेव होता है। ठीक है, ब्लॉक्स आप बोल सकते हो, नोड्स बोल सकते हो, पर्टिकुलर सिस्टम्स, कंप्यूटर अराउंड द ग्लोब। आप देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग जिस तरह से दिखाया गया है, अराउंड द ग्लोब अलग अलग सिस्टम्स में, अलग अलग ब्लॉक्स में ये पूरा का पूरा आपका डेटा यहाँ पर सेव होता है। तो इसमें क्या है, कोई पर्टिकुलर डेटा सेंटर या कोई पर्टिकुलर एक जगह पे आपका डेटा नहीं होता, पूरी दुनिया में अलग अलग सिस्टम्स में आपका ये डेटा रहता है। और इसके साथ साथ ये वेब 3.0 में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया आपका, मशीन लर्निंग हो गया, ये सब टेक्निक्स को यूज करके इसको बहुत ही ट्रांसपेरेंट, सिक्योर, डिसेंट्रलाइजेशन पे पूरा का पूरा इसका फोकस है। और इसके साथ साथ जैसे कि डेटा इसमें डिफरेंट ब्लॉक्स में रहता है, तो अलग अलग कंप्यूटर्स में, तो इसको हैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आपको हैक करना भी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी दुनिया में जितने भी ब्लॉक्स में, जितने भी कंप्यूटर्स में वो डेटा सेव है, उसको आपको एक साथ हैक करना होगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, जो कि अभी बहुत इवॉल्व हो रहा है, आज के टाइम में लोग बहुत इसको यूज़ कर रहे हैं। तो क्या है ब्लॉकचेन, सिंपल आप आसान से भाषा में अगर आप समझोगे तो इंफॉर्मेशन को सेव करने का, रिकॉर्ड करने का एक तरीका है, जो कि लोगों के लिए इम्पॉसिबल होगा उसको हैक करना, उसको चेंज करना, चीट करना। तो ये पूरा का पूरा लेटेस्ट ट्रेंड और टेक्नोलॉजी बिल्ड किया है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन अगर आप जनरल टर्म्स में समझोगे तो एक तरह से आप बोल सकते हो डिजिटल लेजर है, जिसमें आपके ट्रांजेक्शनल डेटा सेव रहता है अलग अलग सिस्टम्स में, अलग अलग कंप्यूटर्स में बोल सकते हो, अराउंड द ग्लोब। और ये पूरे ब्लॉक्स को अगर आप एक साथ कंबाइन करोगे तो ये आपका बनता है फिर ब्लॉकचेन। ठीक है, तो ये मैंने आसान से भाषा में आपको समझाने का ट्राई किया है, और डिटेल में भी आप बाकी यूट्यूब वगैरह में सर्च कर सकते हो। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि ब्लॉकचेन काम कैसे करता है, हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स। तो फॉर एग्जांपल कि लेट सपोज आपने कोई ट्रांजेक्शन इनिशिएट किया, रिक्वेस्ट किया, तो वो क्या होगा, उसका उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए एक ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, और वो ब्लॉक ट्रांजेक्शन पूरा डिटेल्स उसमें होगा, वो फिर ब्लॉकचेन का जो पूरा नेटवर्क है उसमें भेज दिया जाएगा, सेंड उसमें एड ऑन। उसके बाद जो भी आपका माइनर्स हैं या उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन नेटवर्क में जितने भी लोग हैं, वो क्या करेंगे, उनके लिए एक तरह से ये प्रॉब्लम है, वो उनको सॉल्व करना है, या आप बोल सकते हो ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करना है डिफरेंट नोड्स। तो जो भी उसको, जो माइनर पहले उसको वैलिडेट सॉल्व कर देगा उस प्रॉब्लम को,
तो उसके एवज में उसको मिलता है रिवॉर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं माइनिंग, क्रिप्टो माइनिंग। ओके, तो जो भी पर्सन पहले उस प्रॉब्लम्स को वैलिडेट करेगा, सॉल्व करेगा, उसको मिलेगा रिवॉर्ड। और जो ये पर्टिकुलर, जब ये सॉल्व हो जाएगा तो ये पर्टिकुलर जो ब्लॉक है वो एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन में ऐड हो जाएगा, और इस तरह से वो पूरा का पूरा आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ब्लॉकचेन का। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज का। ठीक है, क्या है क्रिप्टो करेंसीज? एक तो हो गया ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी है जिसपे की क्रिप्टो करेंसीज बनते हैं। ऑलराइट, तो क्रिप्टो करेंसी आप सिंपल समझ सकते हो, एक तरह से डिजिटल और वर्चुअल करेंसीज होते हैं जो कि क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन को यूज करके इनको बनाया जाता है, जो कि 100% सेफ, सिक्योर, सस्टेनेबल, इजीली एक्सेसिबल रहता है और मोर रिसोर्सफुल। आपको एडिशनल कुछ सर्वर वगैरह लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है। क्रिप्टो करेंसी का हम लोग बात करें तो वो दो तरह की होती है, एक है आपका पब्लिक और दूसरा है प्राइवेट। पब्लिक क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? पब्लिक आप एक तरह से बोल सकते हो जो किसी पर्टिकुलर ब्लॉकचेन पे बना हो और जिसके ट्रांजेक्शन आप रियल टाइम में वैलिडेट कर सकते हो, वो है आपका पब्लिक। प्राइवेट क्या है? वो किसी ब्लॉकचेन, ओपन सोर्स ब्लॉकचेन में नहीं है और उसके ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो आप इस रियल टाइम में उसको ट्रैक नहीं कर सकते। आज के टाइम में बहुत सारी फेमस क्रिप्टो करेंसीज है, जैसे आपने सबने सुना होगा बिटकॉइन हो गया, एथेरियम, ट्रोन, बीएनबी, जेनिक एंड सो ऑन। ओके, अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि ये जो जो कॉइन्स होते हैं, क्रिप्टो करेंसी के कॉइन्स होते हैं, वो किस किस तरह के होते हैं। तो कॉइन्स को आप तीन पार्ट में आराम से समझ सकते हो। पहला है आपका रियल कॉइन। रियल कॉइन क्या होता है? जिसका खुद का ब्लॉकचेन है, जैसे एथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, टीआरएक्स, जेनिक, बाइनेंस, इस तरह से। ऑल्ट कॉइन क्या? उनका खुद का कोई ब्लॉकचेन नहीं होता। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एनी अदर कॉइन अदर देन बिटकॉइन, ऑल अदर क्रिप्टो करेंसीज आर ऑल्ट कॉइन। बिटकॉइन के सिवाय बाकी जो भी है वो सारे आपके ऑल्ट कॉइन्स हैं। तीसरा है कोल्ड कॉइन। तो जो भी आपके टोकन्स होते हैं वो आपके कंसिडर किए जाते हैं एज अ कोल्ड कॉइन। ओके, तो ये छोटा सा ब्रीफ हुआ आपका क्रिप्टो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज का जो प्राइस है वो किस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन की, जो कि दुनिया की पहले नंबर की क्रिप्टो करेंसी है, उसी को समझते हैं। तो बिटकॉइन आप सभी को पता है 2009 में थोड़ा ट्रेंड में आया, उस टाइम $1 में लगभग 1412 बिटकॉइन $1 में आता था, और उस टाइम $1 का जो वैल्यू था वो 40 रुपए के आसपास था। ठीक है, आपने भी न्यूज सुना होगा पहले लोगों ने 10,000 बिटकॉइन एक पिज्जा खाया है। ओके, अब मैक्सिमम सप्लाई की अगर आप बात करोगे बिटकॉइन की तो वो 2.1 CR है, उसमें से 40% डोरमेंट है। मतलब जिन लोगों के पास पहले क्रिप्टो करेंसी था वो या तो वो दे आर नो मोर एग्जिस्ट, उनका डेथ हो गया, या फिर लोग अपने वैलेट का पासवर्ड ही भूल गए। ओके, अभी तक की अगर हम लोग बात करें तो लगभग आपका 1.9 CR के अराउंड आपका बिटकॉइन मिंट हुआ है, उसमें से 40% ऑलरेडी आपका डोरमेंट है, ये सर्कुलेशन में नहीं है। तो ये 1.9 करोड़ का ओनली 60% अभी बिटकॉइन सर्कुलेशन में है। आगे सप्लाई की बात करें तो सप्लाई यहाँ पर आप देख सकते हो 1.9 CR अभी तक मिंट हुआ है, उसमें से भी 40% आपका डोरमेंट है। तो मान लो 1.9 का सिर्फ 60% सर्कुलेशन में, इसका मतलब सप्लाई बहुत ही लिमिटेड है बिटकॉइन की। करंट में अगर बिटकॉइन के प्राइस की आप बात करोगे तो एक बिटकॉइन का प्राइस लगभग $30,000 के आसपास है। यूज केस क्या है इसका? यूज केस सिंपल, पेमेंट्स के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। अगर हम लोग आगे बात करें TPS, तो इनका जो TPS है वो एक सेकंड में 4 से 5 के आसपास आपका ट्रांजेक्शन पर सेकंड है बिटकॉइन का। तो ये थोड़ा सा अल्टीमेट हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन के बारे में हमने बात किया। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी, वो है आपका इथेरियम। इथेरियम दुनिया के दूसरे नंबर की क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, इनका इन्होंने जो अपना इथेरियम का प्लेटफॉर्म है वो 2015 के आसपास लॉन्च किया। टोटल सप्लाई की अगर इथेरियम की आप बात करोगे तो अनलिमिटेड है इसमें। जून 2020 में एक इथेरियम का जो वैल्यू था वो अप्रोक्सली 13,000 के आसपास था, और करंटली अगर आप बात करोगे तो एक इथेरियम का जो वैल्यू है वो लगभग 2,00,000 के आसपास है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि इथेरियम का जब सप्लाई अनलिमिटेड है तो इसका प्राइस कैसे बढ़ रहा है। ओके, तो इथेरियम एक तरह से ओपन सोर्स ब्लॉकचेन है। ओपन सोर्स का मतलब कोई भी इथेरियम के वेबसाइट पे जाके उनका सोर्स कोड डाउनलोड कर सकता है और उनके ब्लॉकचेन को अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग
जो भी उनका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपने अपने जो भी वेबसाइट्स है या कुछ भी डैशबोर्ड्स जो बनाना चाहें वो बना सकते हैं, एप्लीकेशंस जो भी। आज के टाइम में बड़ी बड़ी कंपनीज इथेरियम ब्लॉकचेन को यूज़ करते हैं, काफ़ी बैंक्स हो गए, इवन माइक्रोसॉफ्ट भी जो उनका क्लाउड सॉल्यूशन है एज्योर, उसके लिए इथेरियम ब्लॉकचेन का यूज़ करता है। तो ये इसका बेसिक उसके पीछे रीज़न है क्यों उसका प्राइस इतना बढ़ रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करें, जो भी मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज हैं वो किसी बर्निंग प्रॉब्लम या किसी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो जो भी मार्केट में है उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बेस्ड क्रिप्टो करेंसीज रहते हैं। जैसे आप हीलियम की बात करो तो हीलियम एक तरह से वायरलेस रिवोल्यूशन पे काम करता है, उनका जो ब्लॉकचेन है। जेनिक की बात करो तो जेनिक एक तरह से हाइब्रिड ब्लॉकचेन है जो कि किसी भी नई ब्लॉकचेन एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन के साथ आराम से उनका इंटीग्रेशन हो सकता है, और उसका टीपीएस की अगर आप बात करोगे तो 50,000 उनका टीपीएस है। ऑलराइट, तो ये तो हमने टॉप की दो करेंसी की बात की। आगे हम लोग बात करते हैं जेनिक की। जेनिक का थोड़ा सा बात करते हैं क्या है इनका। तो जेनिक एक तरह से आईटी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कंपनी है। ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स एंड दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर DIFC के अंडर में, और इन्होंने क्या किया है, हाइब्रिड ब्लॉकचेन बनाया है जो कि किसी भी अदर ब्लॉकचेन के साथ आराम से इजीली इनका इंटीग्रेशन हो सकता है। बहुत ही फास्ट ट्रांजेक्शन स्पीड है इस पर, क्योंकि इनका जो TPS है वो 50,000 है। क्या क्या लॉन्च हो चुका है जेनिक में, तो इनका खुद का ब्लॉकचेन है जो कि हाइब्रिड है, ओके। दूसरा इनका खुद का कॉइन है जेनिक कॉइन, जो कि खुद की ब्लॉकचेन पर ही है। इनका डेबिट कार्ड पावर्ड बाय मास्टर कार्ड, ये भी इनका लॉन्च हो चुका है। डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट जेनिक ऐप जो कि ऑलरेडी लॉन्च हुआ है। आने वाले टाइम में इनका एविनो का स्टेकिंग भी चल रहा है अभी। आने वाले टाइम में ये एविएशन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होने वाला है एविनो। और अभी जेनिक स्वैप जो कि डेक्स है इनका, वो जुलाई 2022 इसी साल तक आने का एक्सपेक्टेशन है। और जो इनका जेनिक का क्रिप्टो एक्सचेंज है वो भी इसी साल के लास्ट क्वार्टर तक आने वाला है। अगर अब हम लोग पार्टनर्स की बात करें, जेनिक के पार्टनर्स कौन कौन है, तो पहला इनका पार्टनर है वो खुद दुबई गवर्नमेंट है जो कि टोकनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स के लिए इनका पार्टनरशिप हुआ है। अदर क्लाइंट्स की बात करोगे तो iFiber जो कि स्लीप रेवोल्यूशन पे काम कर रहा है, और इनका जो स्लीपिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उनका सॉल्यूशन ये लोग लेके आए हैं। तीसरा है एविनोक। एविनोक अभी इथेरियम के ब्लॉकचेन में है और ये अभी जेनिक के ब्लॉकचेन में माइग्रेट हो रहा है, और ये एविएशन इंडस्ट्री में एक अपना पोर्टल ऐसा लेके आ रहे हैं जहां पर आप आराम से प्राइवेट जेट एयर एम्बुलेंस ये सारी चीजें बुक कर सकते हो। तो ये अपनी तरह का पहला प्लेटफॉर्म वू के नाम से लेके आ रहे हैं। चौथा इनका क्लाइंट है टूपान। टूपान एक US बेस्ड टोकन है जो कि SEC सिक्योरिटी एक्सचेंज कमेटी ऑफ USA द्वारा रेगुलेटेड है, जो कि जेनिक के ब्लॉकचेन में है। और एक टूपान की अगर आप वैल्यू की बात करोगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा 1 क्यूबिक मीटर लैंड को अमेजोनिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इनके प्रोडक्ट्स, जेनिक के प्रोडक्ट्स क्या है। तो जेनिक का जो जो प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट, वो है इनका हब। हब एक तरह से है इनका इन हाउस क्लाउड सर्वर जिसकी ओनरशिप हम और आप ले सकते हैं 18 से 20 साल के लिए। और उसमें क्या है, डेली बेसिस पे हमें जेनिक कॉइन मिंट होके आते हैं। करंटली एक हब में अप्रोक्सीमेटली 2 जेनिक कॉइन पर डे मिंट हो रहे हैं। अगर हम लोग जेनिक के हब की बात करें तो उसका कॉस्ट है लगभग 1500 यूरो, इंडियन रुपीज में अगर आप बात करोगे तो 1,38,000 के आसपास। ओके, अभी करंटली एक हब 2 कॉइन्स पर डे मिंट कर रहा है, तो एक मंथ में आपका लगभग 60 कॉइन मिंट होगा। और जो ये कॉइन्स हमारे मिंट होके आ रहे हैं ये हमें बेचने नहीं है अभी, इनको हमें होल्ड करना है कुछ टाइम के लिए। इससे क्या है, हमें प्राइस एप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। अगर हम लोग एग्जांपल के लिए लेते हैं कि कोई पर्सन जेनिक कॉइन्स जो उसको आ रहे हैं उनको नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए होल्ड करके रखता है तो उसको कितना बेनिफिट हो सकता है। तो इसका मतलब 3 साल होल्ड करेगा तो मई 2025 तक उसके पास लगभग 12 से जेनिक कॉइन्स एक्युमुलेट हो जाएंगे, क्योंकि हर साल जेनिक में आपका टाइम हाल्विंग होता है। और ये जो प्राइस है वो एक्सपेक्टेड है मई तक 2025 तक हो सकता है कि 1000 के आसपास या उससे ऊपर भी जा सकता है, बट हम लोग कैलकुलेशन के लिए 1000 नहीं सिर्फ $100 के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो आपके पास लेट सपोज 3 साल में 1200 कॉइन होंगे, $100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो $1,20,000 अप्रोक्सीमेटली आपका 1 करोड़ इंडियन रुपीज में अगर आप बात करोगे। इस 1 करोड़ का भी $100 से आपने लिया है 1 करोड़ आ जाए, इसका सिर्फ आप 10% ही ले लो, पूरा काउंट मत करो, तो भी आपके पास लगभग 10 लाख इन नेक्स्ट 3 ईयर्स में आप ये इतना इनकम बेनिफिट ले सकते हो, जो कि आपका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था 1,38,000, उसका कम से कम 8-9% आपको प्रॉफिट सिर्फ 3 साल में मिलने वाला है। और जो ये हब है जेनिक का, इसमें 18 से 20 साल तक आपको पूरे का पूरा जेनिक कॉइन मिंट होके आने वाले हैं। ठीक है,
तो ये तो पूरा हमने बात किया थोड़ा सा जेनिक के बारे में. तो दैट्स इट इन टुडेज वीडियो. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर.